सो गाइज, इस होममेड हर्बल हेयर ऑयल को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, यानी सरसों का तेल। मैंने लिया है 200 ml मस्टर्ड ऑयल। आप चाहें तो आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, आप तिल का तेल भी ले सकते हैं। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है क्योंकि मस्टर्ड ऑयल जो है वो बालों को लंबे समय तक काला रखने में बहुत हेल्पफुल होता है। मस्टर्ड ऑयल के रेगुलर यूज़ से डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता ही नहीं है। मस्टर्ड ऑयल ब्लड के सर्कुलेशन को फास्ट करता है। इसमें बहुत सारे विटामिंस, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें। तो मैं हमेशा मस्टर्ड ऑयल प्रेफर करती हूँ। आप कोकोनट ऑयल या सेसमे ऑयल भी ले सकते हैं। अब इस ऑयल को साइड में रख के हमें लेनी है कुछ ड्राई चीज़ें, जैसे कि मैं ले रही हूँ ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च। मैं 5-6 दाने काली मिर्च के ले रही हूँ। काली मिर्च में विटामिन सी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। ये हमारे स्कैल्प पर डेड स्किन को रुकने ही नहीं देता, यानी कि डैंड्रफ होने ही नहीं देता। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स स्कैल्प को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, स्कैल्प को नरिश रखते हैं और सीबम प्रोडक्शन को भी ये बैलेंस कर देता है। काफ़ी सारे लोगों को सर में इचिंग होती रहती है, बोलते हैं कि परमानेंट खुजली सी होती रहती है स्कैल्प पर, तो काली मिर्च अगर हम इस हेयर ऑयल में डालते हैं तो वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। एक छोटा स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मेथी सीड्स। मेथी में होता है बहुत सारा प्रोटीन, तो ये हमारे बालों को थिक बनाता है, हेयर लॉस को भी रोकता है और बालों को मॉइस्चराइज रखता है। ड्राई अगर आपके बाल हैं तो बहुत अच्छे से कंडीशन करता है उनको और नरिश करता है। बालों के टेक्सचर को सुधारता है, एक एक बाल को मोटा बनाता है और शाइनी बनाता है। साथ में ऐड कर रही हूँ एक छोटा स्पून कलौंजी सीड्स। मेथी दाना और कलौंजी दोनों ही प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग को प्रिवेंट करते हैं, मतलब बालों को जल्दी सफ़ेद होने ही नहीं देते हैं। हेयर डैमेज को भी रिवर्स कर देते हैं, स्कैल्प को हेल्दी रखते हैं और हेयर फॉल को रोकते हैं और हेयर ग्रोथ को कई गुना फास्ट कर देते हैं। अब इन तीनों ही चीज़ों को हमें मोटा मोटा कूट लेना है। मिक्सी में डालकर बिल्कुल इनका पाउडर नहीं बनाना है, हमें इन्हें मोटा मोटा ही कूट लेना है, जिससे कि जब हमारा ऑयल बनेगा तो हम उसे अच्छे से छान पाएँ, स्ट्रेन कर पाएँ। देखिए यहाँ पर मैंने इसे मोटा मोटा कूट लिया है। अब इन कूटे हुए तीनों चीज़ों को हमें अपने ऑयल में मिक्स कर देना है अच्छी तरह से। जो ऑयल हमने 200 ml लिया था उसमें इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर देना है। इस ऑयल को आप एक बार बनाकर 3 से 4 महीने के लिए रूम टेम्परेचर पर आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीक में 3 बार आप हेयर ऑयलिंग ज़रूर करें, मतलब जब आप शैम्पू करते हैं उससे एक रात पहले अच्छे से अपने स्कैल्प पर 10 से 15 मिनट हल्के फिंगर टिप से मसाज करें अपने स्कैल्प पर हेयर ऑयल की, और नेक्स्ट डे शैम्पू करें। अब इस हेयर ऑयल में मैं मिक्स कर रही हूँ कुछ गुड़हल के फूल। मैंने कुछ दिन पहले इन्हें तोड़ के रखा था तो ये ड्राई हो गए हैं। आप फ्रेश भी ले सकते हैं, ड्राई भी ले सकते हैं। 10-12 गुड़हल के फूल मैंने इसमें ऐड किए हैं उनके पत्तों के साथ। गुड़हल के फूल यानी कि हिबिस्कस फ्लावर्स, ये भी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। मतलब ये तो गंजापन अगर आ गया है तो वहाँ पर भी बाल लेकर आ जाते हैं, डैंड्रफ को ट्रीट करते हैं बहुत इफेक्टिवली, बालों को कंडीशन करते हैं और ये भी प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग को रिवर्स करते हैं। मतलब अगर आपके बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं तो ये उन्हें काला कर देते हैं, वापस से उनकी ग्रोथ काली आने लगती है। मैंने ऐड किए हैं 10-12 गुड़हल के पत्ते और साथ में ऐड कर रही हूँ 10-12 ही करी लीव्स। आपको फ्रेश मिलते हैं, आप फ्रेश ऐड कर सकते हैं वरना ड्राई भी ले सकते हैं। करी लीव्स आपको पता है इनमें भर भर कर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और बालों के लिए बिल्कुल अमृत की तरह काम करते हैं। मतलब अगर आप इन्हें खाते हैं तो भी बहुत फ़ायदेमंद हैं बालों के लिए, और आप अपनी हेयर रेमेडीज़ में यूज़ करते हैं, हेयर ऑयल में यूज़ करते हैं तो भी बहुत फ़ायदेमंद है। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 15 से 20 नीम के पत्ते, ये भी मेरे पास ड्राई हैं। आप चाहें तो फ्रेश यूज़ कर सकते हैं, ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं। नीम भी हेयर ग्रोथ में बहुत फ़ायदेमंद है, हेयर ग्रोथ को फास्ट करता है। डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, इचिंग का प्रॉब्लम है, स्कैल्प बहुत ऑयली रहता है या बहुत ड्राई रहता है, तो ये सीबम प्रोडक्शन को भी बैलेंस करता है। बस इन सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये ऑयल इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनने वाला है कि अगर आप इसे एक बार बना लेते हैं तो ख़त्म होने के बाद आई एम डैम श्योर इसको यूज़ करने के बाद आप हर बार इसी ऑयल को बनाएंगे और लोगों को, मतलब दूसरों को भी यही ऑयल रिकमेंड करेंगे। ये बिल्कुल दवाई की तरह काम करता है। मतलब अगर आप इस हेयर ऑयल को रूटीन में लाते हैं तो आपको किसी भी तरह की और कोई रेमेडी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने लिया है यहाँ पर 2 एलोवेरा लीफ और उनका मैंने जेल नहीं निकाला है, उनको अच्छे से वॉश करके मैंने उनके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और उसको अपने इस ऑयल बनाने वाले मिक्सचर में ऐड कर दिया है।
एलोवेरा भी बालों के लिए बिल्कुल अमृत की तरह काम करता है, बालों को काला रखता है, बालों को थिक बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, शाइनी बनाता है, एक एक बाल को मोटा बनाता है। अब आप देख रहे हो कि हमारा ये मिक्सचर इसमें मतलब इस ऑयल में कितनी सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं कि आपको लग रहा होगा कि ये ऑयल बनेगा कैसे, इसमें से ऑयल निकलेगा कैसे, लेकिन आप देखना अभी जब हम इसको पकाना शुरू करेंगे तो इन सारी चीज़ों का एसेंस जो है हमारे ऑयल में आ जाएगा और ये सारी चीज़ें बिल्कुल नीचे बैठ जाएंगी और हमारा ऑयल ऊपर आ जाएगा। जितनी क्वांटिटी हमने ऑयल के लिए है हमें इवेंचुअली उतनी क्वांटिटी ही मिलेगी। अब इस ऑयल को आपने डायरेक्ट हीट पर नहीं रखना है, माइक्रोवेव में भी नहीं बनाना है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या माइक्रोवेव में बना लें, नहीं माइक्रोवेव में भी नहीं बनाना है। आपको इसे डबल बॉयलर यानी कि एक बड़े से बर्तन में पहले पानी गर्म करना है, लो फ्लेम पर उसे रखे रहने देना है और उस गर्म पानी में इस बोल को रखकर धीरे धीरे इसे हल्का हल्का बीच बीच में चलाते रहना है। इसे आपको कम से कम एक घंटे के लिए पकाना है इस ऑयल को आपने, और जैसे जैसे आप पकाते जाएंगे आप देखेंगे कि सारी चीज़ों का रंग जो है वो चेंज होने लगा है, उनका एसेंस ऑयल में आने लगा है और ऑयल का कलर भी चेंज होने लगा है। इसमें इतनी सारी प्रेशियस हर्ब्स हमने डाली हैं जो कि आपको इजीली मिल जाएंगी पार्क्स के पार्क में, गार्डन में, अपने किचन में। काफ़ी सारी चीज़ें हमने किचन की यूज़ की हैं, लेकिन जब ये ऑयल बनेगा तो ये आप मतलब इसकी स्मेल ही आपको बता देगी इस ऑयल को बनाते हुए कि ये मतलब एक बहुत ही गज़ब की चीज़ बनने वाली है। देखो मैं इसको धीरे धीरे पका रही हूँ, चलाते जा रही हूँ। आप देखो चीज़ों का जो हम इसने इसमें डाली हैं उनका कलर चेंज हो गया है, सबका कलर हमारे ऑयल में आ गया है। ऑयल कितना डार्क ग्रीन कलर का होता चला जा रहा है और चीज़ों का कलर फीका पड़ता जा रहा है। एक घंटे बाद मैंने इसको उतार लिया है और उतारने के बाद अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे, पूरी तरह से ठंडा नहीं करेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे हम इसे और लूकवॉर्म यानी कि हल्का गर्म ही हम इसे छान लेंगे। छानने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने 200 ml लिया था और अब हमें इवेंचुअली कितना अपना ऑयल मिल रहा है बना हुआ, ये देखिए। क्योंकि हमने चीज़ों को मोटा मोटा कूटा था और बाकी चीज़ों को साबुत ही डाला था तो इसे छानना बहुत आसान है। अगर इन सब चीज़ों को आप मिक्सी में पीस कर और उसके बाद ऑयल में डालेंगे तो ऑयल में नीचे इसका एक बड़ा थिक सा रेजिड्यू रह जाता है जिससे कि ऑयल के ख़राब होने के चांसेस भी कभी कभी बन जाते हैं। तो इससे हमें बहुत ही क्लीन एंड क्लियर ऑयल मिलेगा जो हमारे बालों में जिसका कुछ भी कोई ग्रैनुअल या कुछ भी फंसने वाला नहीं है, बाल ख़राब नहीं होने वाले हैं, गंदे नहीं होने वाले हैं, बिल्कुल साफ ऑयल हमें मिलेगा। तो इस तरह से मैंने सारा ऑयल छान लिया है और अब मैं आपको वापस उसी बॉटल में फिल करके दिखाऊंगी कि हमें अब कितना ऑयल मिला है। ये देखिए पूरी बॉटल हमारी भर गई है, यानी कि ज़रा सा भी ऑयल हमारा वेस्ट नहीं हुआ है, सारा ऑयल हमारे पास वापस बन के आ गया है। और हमारे ऑयल का कलर कितना अच्छा आया है उसी से पता चलता है कि हमारा ऑयल कितना ज़्यादा इफेक्टिव बना है। सो गाइज़ यूज़ करिए इस ऑयल को और वीक में 3 बार यूज़ करिए, अच्छे से मसाज करिए। अपने हेयर लेंथ पर भी हल्का हल्का ऑयल आपको हर बार अप्लाई करना है जिससे कि आपका हेयर ब्रेकेज का प्रॉब्लम है वो ख़त्म होगा, 2 मुए बाल ख़त्म हो जाएंगे आपके होने और बालों की ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी। बाल मतलब आपको शैम्पू के बाद कंडीशनर यूज़ करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी अगर आप इस हेयर ऑयल को यूज़ करते हैं शैम्पू करने से एक रात पहले।